तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक अच्छी सी मस्त एक्टिवा 6G हाल ही में 3 दिन पहले लॉन्च हुई है। इसके दोनों मतलब गाड़ी कब की लॉन्च हो गई है, तो ये तीन दो कलर आज ही लॉन्च हुए हैं। एक ब्लू कलर भी है इसमें, वो पहले डार्क आता था, अभी थोड़ा लाइट आता है। तो ये जो नया कलर है इसमें काफ़ी प्यारा लग रहा है, ये गोल्डन और पिंकी फिनिश जैसा मुझे लग रहा है, बाकी गाड़ी पूरी सेम है। तो ये नया कलर आया तो इसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसका एक रिव्यू शेयर कर दूं। तो यहाँ पे वही है LED हेडलैम्प्स, इसमें स्टैंडर्ड वेडिंग में हेलोजन भी आते रहेंगे, इंडिकेटर्स भी हेलोजन में ही है। और ये इसका मस्त फिनिश वाला कलर है, यहाँ पे भी होंडा का स्टिकर, नंबर प्लेट लगेगी। यहाँ पे दोनों गाड़ी अपन साथ में ही करते हैं। यहाँ पे भी इसका ये फिनिशिंग जो सेम आता है वही है, ये इसका मडगार्ड, यहाँ पे वही ड्रम ब्रेक ही है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स, फुल गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है नए कलर में। और ये एक मरून कलर टाइप है, ब्राउन भी नहीं बोल सकते, ये मरून कलर टाइप है, ऐसा ये इसका टेक्सचर है। यहाँ भी LED हेडलैम्प्स, टर्न इंडिकेटर्स, होंडा का स्टीकर, नंबर प्लेट वही क्रोम डिज़ाइनिंग, ये मडगार्ड मेटल, ड्रम ब्रेक, टेलीस्कोप, यहाँ भी वही सेम टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स दोनों में दिया हुआ है। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, कितने किलोमीटर बचे हैं, मतलब कितने किलोमीटर रन हुई है, हाई बीम, माल फंक्शन, टर्न इंडिकेटर्स की लाइट, यहाँ पे हाई बीम, लो बीम इंडिकेटर्स, हॉर्न, किल स्विच, सब आप लोगों ने गाड़ी पहले देख ही ली है। यहाँ पे की हुक, टायर इंफॉर्मेशन, बैटरी यहाँ प्लेस होगी, यहाँ भी एक हुक, तो ऑल फुल गाड़ी सेम ही है। यहाँ पर भी आ जाते हैं तो वही हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न, स्पीडोमीटर, कितने किलोमीटर रन हो चुकी है, फ्यूल कितना बचा है, हाई बीम, माल फंक्शन, किल स्विच, एक्सेलरेटर, यहाँ भी वही की नॉब, हुक प्लेस किया हुआ है, मतलब कुछ नई चीज़ मुझे नहीं देखी, यहाँ भी हुक प्लेस किया। तो बाकी ये जो कलर है ये काफ़ी मुझे भारी लगता है, ये कलर शायद से 3G में देखा था, पर ये थोड़ा कभी ज़्यादा उभर के आता है, पर ये तो एकदम नया ही कलर होंडा ने दे दिया है। यहाँ पर आ जाते हैं तो वही सेम सीट हाइट है, यहाँ पर ग्रे ब्रिल, यहाँ से आप फ्यूल भरवाएंगे, इसके रेयर टेल लैम्प, इंडिकेटर्स, यहाँ पे एक्टिवा 6G लिखा हुआ है, यहाँ पे वही 110cc का इंजन, ESP की बैजिंग, ये मेन स्टैंड, वहाँ पे साइड स्टैंड, ये किक, सेम ड्रम ब्रेक, सेम व्हील, सेम सस्पेंशन। ये जो मुझे कलर, ये वाला कलर मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा अभी के होंडा की जितने भी मतलब एक्टिवा निकली है। एक ब्लू मेरा फेवरेट है और ये मैंने जब नया कलर देखा तो मुझे लगा, यहाँ पे टेल लैंप, यहाँ भी फुल भरवाएंगे इंडिकेटर्स, ये मरून कलर, यहाँ भी एक्टिवा 6G, ये भी काफ़ी प्यारा लगता है। जो लोगों को जो कलर पसंद आता है वो ले सकते हैं। मतलब 7G आने के पहले एक्टिवा ने ये नया मतलब कलर निकाला है, यहाँ वही 110cc का इंजन, ESP की बैजिंग, यहाँ पर मेन स्टैंड, वहाँ पर साइड स्टैंड, सेम ड्रम ब्रेक, सेम सस्पेंशन, सेम टायर, सेम मडगार्ड, पीछे से कुछ ऐसी लगती है गाड़ी, यहाँ पे एग्जॉस्ट, यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर, और ये इसके ग्रे में फैन दिया हुआ है, यहाँ पे भी सेम ही है। इसके लिए मैं दोनों गाड़ी शोरूम वाले को बोल के साथ में खड़ी रखवाया ताकि हम पूरा कंपैरिजन कर सके कि कलर में, बाकी तो ऑल टू ऑल सेम गाड़ी, सेम ही है, सेम हाइट, सेम लेंथ, बस जो कलर है वो नया आया है। और जो वो ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर में सिर्फ चेंज वही हुआ है, पहले जो ब्लू आता था वो डार्क आता है और अभी जो आता है वो लाइट आता है, तो इसके लिए मुझे वो गाड़ी नहीं खड़ी रखनी पड़ी, उसमें कुछ ज़्यादा कंपैरिजन नहीं है। बाकी ये जो नया कलर है ये मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पसंद आने वाला है, रे कलर भी काफ़ी अच्छा है। तो होप यू गाइस फुल वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और कमेंट में बताया कि ऐसे कौन सी गाड़ी का रिव्यूज़ देखने में आए दिन अपने चैनल पे लाते रहूँगा। तो हैव अ गुड डे एंड राइड सेफ।